चुनाव वाले दिन नतीजा हुआ, लोग बड़े परेशान थे, आप बड़ी भारी संख्या में उस दिन भी यहाँ पे उपस्थित थे और मैंने कहा था कि मैं 5-7 दिन जाकर के वापस आती हूँ। मैंने मेरा वादा निभाया, आज आप लोगों के बीच में आई हूँ और आज आपको पुनः यही विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार अपनी है, अपने लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा समर्थन दिया और खूब सारे वोट हमें दिए। तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों का वही विशेष दर्जा हमारे मन में हमेशा रहेगा और आप विश्वास रखें कि अपनी सरकार में जो भी काम अपने को करवाने हैं उसके लिए ज्योति मिर्धा कहीं पीछे नहीं हटेगी। और जिन जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड है, बिका हुआ है, उनको कह देना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग यहाँ पे आए हुए उन सबको भी जिम्मेदारी सौंप करके जाना चाहती हूँ। अरे भाई माँ को माइक मोड़ो यार, मोटो लगाया लेता संग्राम थोड़ा धीरे रहे। तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं इनके छाती पे मूंग दलने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशंट बयान दिए, कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी क्या फालतू का? कभी कांग्रेस की बैसाखिया लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखिया लेकर के आते हो और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुड़ आले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता दे करके बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिस जिसको एमएलए लैंड का पैसा देना है एमएलए लैंड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा अगला ने गेला बनाया दिया, फोटो खींच खींच के दियो, पीपली हूँ आया, अरे बेरा तड़ू आया, अरे खेमसर हूँ आया। अरे मैंने एक बात बताओ, थके बार अकाउंट में पाया तो है ही को नहीं, आए नहीं तो पैसे कहाँ से आगे बांट रहे हो?